हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियलिटी डाइजेस्ट। आज के एपिसोड में हम जेपी पार्क में आए हैं। ये जो लोकेशन है वो हिंगना एंड मिहान के बीच में आता है। आसपास यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेजेस भी अवेलेबल है। देन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहेगा, ऐसे रहेगा ये। तो जेपी पार्क में आज आपके लिए जो है एक फुल्ली फर्निश्ड डुप्लेक्स जो है रीसेल में आया है, उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, ये जेपी पार्क का मेन एंट्रेंस गेट रहेगा, जहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी अवेलेबल है। यहाँ पे जो है गार्डन भी अवेलेबल है, जिम भी अवेलेबल है, किड्स प्ले एरिया एंड ऐसे एमिनिटीज़ यहाँ पे मिलती है। हम यहाँ पे आपको एमिनिटीज़ दिखा देंगे, देन सीधा बंगलों के पास जाके आपको उसकी डिटेल बताते हैं। तो ये चलिए वीडियो टूर शुरू करते हैं। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, वो मेन एंट्रेंस गेट था जहाँ से हमने एंटर किया है। ये जो रोड रहेगा ये आपको गार्डन की तरफ लेके आएगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पे गार्डन अवेलेबल है, लश ग्रीन लॉन अवेलेबल है, यहाँ पे वॉकवे भी अवेलेबल है, किड्स प्ले एरिया एंड ओल्ड एज पीपल के लिए यहाँ पे बैठने के लिए वगैरह भी अरेंजमेंट है। ऐसे रहेगा यहाँ पे गार्डन की एमिनिटीज़। हम जो है बंगलो जो देखने वाले हैं वो कॉर्नर बंगलो रहेगा, जो राइट हैंड साइड से वहाँ पे रोड जो है वहाँ से अगर राइट वहाँ से एंड तक का वो बंगलो रहेगा। तो हम बंगलो के पास जाएंगे एंड उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करिए। आइए चलते हैं। ये जो इंटरनल रोड रहेगा प्रॉपर्टी का, ये पेवेट ब्लॉक्स का रोड रहेगा जहाँ से हम एंटर करेंगे। मेरे राइट हैंड साइड में जैसे आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा बंगलो जो रीसेल में आया है। यहाँ पे जो है बंगलो में जो कॉर्नर बंगलो है, इसलिए यहाँ पे साइड राइट हैंड साइड वाला जो पूरा स्पेस है ये हमारे अंडर आ जाता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप करंटली कार पार्क करी गई है तो यहाँ पे कार पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल डोर भी यहाँ पे लगाया गया है। मेरे पीछे जो बंगलो है यहाँ पे जो है मेटल फेंसिंग की गई है फॉर बेटर सिक्योरिटी। ये रहेगा हमारा बंगलो, इसके बारे में कुछ स्टैट्स बता देता हूँ आपको। बंगलो का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 1235 स्क्वायर फीट का रहेगा। ये 3 BHK बंगलो है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो है लिविंग रूम रहेगा, 2 बेडरूम्स रहेंगे, 1 किचन रहेगा एंड टॉप फ्लोर पे 1 बेडरूम अवेलेबल है। और यहाँ पे पूरे जो फर्निशिंग है वो आपको बंगलो के साथ ही मिलेगी। तो आइए चलिए बंगलो अंदर से देखते हैं। मेन डोर से एंटर करते हैं, हम लिविंग रूम में आ जाते हैं। मेन डोर पे जो है सिक्योरिटी लॉक अवेलेबल है, यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी लॉक अवेलेबल है, ऊपर भी लॉक अवेलेबल है। तो ऐसा रहेगा मेन डोर। ये रहेगा नाइस एंड स्पेशियस लिविंग रूम रहेगा। यहाँ पे जो है आपको लिविंग रूम में जो सोफ़ा दिख रहा होगा, ये 5 सीटर सोफ़ा भी आपको बंगलो के साथ आएगा। देन ये पूरा टीवी यूनिट जो है ये भी आपको बंगलो के साथ आएगा। टीवी नहीं आएगा, सिर्फ टीवी यूनिट आएगा एंड ये टी टेबल भी उसके साथ आएगा। ये आपको हॉल में फर्नीचर मिल जाएगा। देन हॉल में जो है आपको, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे नाइसली फिनिश POP करा गया है एंड वहाँ पे LED लाइट भी फिक्स है। तो ये आपको हॉल में मिल जाएगा। देन हॉल से निकलते ही जैसे पहले लेफ्ट साइड वाले डोर पे एंटर करते हैं, तो ये जो रहेगा ये वन ऑफ द बेडरूम रहेगा जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है। इस बेडरूम में आपको जो है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज़ दिए गए हैं। देन ग्राउंड पे यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के विट्रीफाइड टाइल्स फिट मिलते हैं। देन जैसे आप अगर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है नाइसली फिनिश POP मिलता है। जैसे आप इस बेडरूम में देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो वॉशिंग मशीन है ये भी आपको इस बंगलो के साथ मिल जाएगा। देन इस बेडरूम में आपको अटैच टॉयलेट मिलता है। ये जो टॉयलेट है इसमें आपको ट्विन डोर मिलते हैं, मतलब इस टॉयलेट में आप लिविंग रूम से भी एंटर कर सकते हैं एंड बेडरूम से भी एंटर कर सकते हैं, जिसका डोर मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो ये रहेगा टॉयलेट। इस बेडरूम से हम जैसे निकलते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे जो है कॉमन टॉयलेट के जो हिसाब से डोर बनाया गया है, तो वो डोर यहाँ पे रहेगा। मतलब आप इस बाथरूम में लिविंग रूम से भी एंटर कर सकते हैं। ऐसा रहेगा ये कॉमन टॉयलेट। यहाँ से हम निकलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो रूम में एंटर करते हैं ये भी रहेगा वन ऑफ द बेडरूम रहेगा। ये भी एक स्पेशियस बेडरूम है। यहाँ पे भी जो आपको टॉप में जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे POP फिनिश्ड है, यहाँ
LED लाइट्स भी अवेलेबल है। देन इस बेडरूम में जो आपको बेड दिख रहा है, ये बेड भी आपको बंगलो के साथ आएगा। एंड अगर आप थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे जो कबर्ड है, ये कबर्ड भी आपको जो है इस बंगलो के साथ मिल जाएगा। तो ये आपको फर्निशिंग यहाँ पे रूम में मिल जाएगी। वन मोर थिंग टू मेंशन, यहाँ पे जो है AC फिट करा गया है, ये AC भी आपको बंगलो के साथ ही आ जाएगा। तो ये आपको फर्निशिंग बंगलो के साथ मिलती है। टूर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे आने वाले कंटेंट भी और उसमें देख सकें। नाउ लेट्स कंटिन्यू द टूर। देन इस रूम से निकलते ही जैसे फ्रंट में मेरे देखेंगे तो ये रहेगा किचन रहेगा। ये जो किचन है मॉड्यूलर किचन रहेगा जिसमें डाउन में भी आपको जो है रैक्स मिलते हैं। देन यहाँ पे ओवरहेड काउंटर्स भी फिट करे गए हैं। देन यहाँ पे जो है ब्लैक कलर का मार्बल का जो है काउंटर टॉप रहेगा। देन यहाँ पे स्टेनलेस स्टील सिंक रहेगा। देन किचन के काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पे विंडो भी दिया गया है एंड ऊपर में एग्जॉस्ट भी फिट करा गया है। सबसे अच्छी बात, ये किचन में आपको जो है यहाँ पे भी POP करके मिलेगा। देन किचन में आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी, मतलब यहाँ पे स्टोर रूम की तरह भी स्पेस दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने बहुत सारे सामान वगैरह जो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन किचन में जैसे आपको ये फ्रिज दिख रहा होगा तो ये भी आपको बंगलो के साथ ही मिल जाएगा। तो ये भी आपको फर्निशिंग मिल जाएगी। देन किचन में यहाँ पे एक डोर है जहाँ से हम यूटिलिटी स्पेस में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही अच्छा यूटिलिटी स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे जो आप वॉशिंग मशीन भी फिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जो पूरा जो स्पेस है कॉर्नर का, ये आपको यूज़ करने के लिए मिल जाता है, जो कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा रहेगा यूटिलिटी स्पेस। अभी हम जो सीधा हॉल में जाएंगे एंड वहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं। तो आइए चलिए, हम अभी किचन से बाहर निकले हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे हम एक बेडरूम देखने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको यहाँ पे स्टेयर्स हैं, जहाँ पे जो है स्टेयर्स में जो है मार्बल के स्टेयर्स रखे गए हैं एंड यहाँ पे जो रेलिंग है ये स्टेनलेस स्टील का रहेगा। आइए चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये स्टेयर्स से आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो है बेडरूम लोकेटेड है, जहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ। ये रहेगा बेडरूम का एंट्रेंस डोर। यहाँ पे जो है आपको अटैच टॉयलेट मिलता है, जैसे आप आगे देख सकते हैं। ये जो रहेगा अटैच टॉयलेट रहेगा इस मास्टर बेडरूम का। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं ये मेन बेडरूम रहेगा। यहाँ पे जो है नाइसली फिनिश बेडरूम है, ये फुल्ली फर्निश्ड बेडरूम है जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस बेडरूम के साथ साथ आपको अटैच वार्डरोब भी आ जाएगा। देन मेरे सामने जो बेड दिख रहा है आपको, ये बेड भी आ जाएगा। यहाँ पे जो है एक आपको वैनिटी भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे रखा गया है। इस बेडरूम में जो है आपको अगर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है इस बेडरूम में भी POP फिनिश करा गया है। यहाँ पे LED लाइट्स भी फिक्स मिलते हैं एंड इस बेडरूम में जो AC फिट करके रखा गया है, तो ये AC भी आपको इस प्रॉपर्टी के साथ आ जाएगा। तो ऐसा रहेगी प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंड ऐसे फर्निशिंग आपको प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 1235 स्क्वायर फीट का रहेगा। देन यहाँ पे आपको 3 BHK प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपको ग्राउंड पे दो बेडरूम मिलेंगे, एक हॉल मिलेगा, किचन रहेगा एंड फर्स्ट फ्लोर पे जो है एक बेडरूम अवेलेबल है। ऐसे रहेगी डिटेल्स। देन इसका जो प्राइजिंग जो रखा गया है वो रहेगा 55 लाख रुपीज़ विथ ऑल इंक्लूडेड फर्नीचर। ये इसका प्राइजिंग रहेगा एंड डिटेल्स रहेगा। देन अगर आप प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं एंड प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन भी हमारा नंबर रहेगा, तो आप उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके भी उसकी डिटेल ले सकते हैं। एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो ऊपर स्क्रीन पे कहीं फ्लैश हो रहे होंगे, तो वहाँ पे जाके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऐसा रहेगा प्रॉपर्टी का टूर। अगर आपको वीडियो टूर पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाले ऐसे कंटेंट और भी देख सकें। अंटिल देन, थैंक यू, टेक केयर।